हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पिंकी। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बना रहे हैं बहुत ज्यादा टेस्टी ठंडे ठंडे गर्मियों के मौसम में मैंगो लस्सी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्ट लगती है। आप इसे एक बार इस तरीके से जरूर बनाना और बिल्कुल मार्केट के जैसा स्वाद है इसका, आप एक बार इसे जरूर ट्राई करना। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दही लिया है। जितना आप लस्सी बना रहे हैं उस हिसाब से आप दही ले सकते हो। दही ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 5 गिलास लस्सी की बना रही हूँ, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक बड़ी कटोरी पूरी भर के दही लिया है। और दही को हम चम्मच या इस मताने से इस तरीके से फेंटेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से करना है, इसे मिक्सी वगैरह में बाकी नहीं करना है। जितना स्वाद इस मताने से आता है उतना उससे नहीं आता है। तो हम इसी से अच्छे से फेंट लेंगे इसको। बिल्कुल भी जो है दही में लम्स नहीं होने चाहिए दही के। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। आप देख सकते हो इस तरीके से हो गया है ये। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो चीनी आप आपके हिसाब से जितना मीठा करना चाहते हो इस हिसाब से डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसमें 150 ग्राम के करीब चीनी डाल दी है। चीनी को भी अच्छे से एक बार मताने से फिर से फेंट लेंगे अच्छे से दही के साथ में। तो ये देखिए मैंने इसे अभी एक बार अच्छे से चला लिया है। आप सेम प्रोसेस चम्मच से भी कर सकते हो। और अब हम इसमें डाल देंगे केसर। केसर सिर्फ कलर के लिए है, ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगता है इस तरीके से। तो केसर को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसी तरीके से इसे साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से घुल जाए इसके अंदर। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने 2 मैंगो लिया है बड़े साइज में, आप देख सकते हो। और अब हम सबसे पहले मैंगो को काट लेंगे। तो इस तरीके से इसे बीच से काट करके इसके अंदर से सारा मैंगो जो है बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से चाकू से करके। तो सेम इसी तरीके से हम सारा मैंगो जो है बाहर निकाल लेंगे कटोरी में। तो यहाँ पर मैंने इसमें बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे डाल देंगे मिक्सी जार में। इसी के साथ में हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा कप के करीब पानी। इससे ज्यादा पानी नहीं डालना है। और अब हम इसका जूस बना लेंगे अच्छे से मिक्सी जार में पीस करके। तो आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है मिक्सी जार में। और दूसरी तरफ हमारे जो दही है इसमें चीनी डाले हुए भी 10 मिनट हो गए हैं साइड में रखे हुए। तो आप देख सकते हो चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है इसमें। तो अब हम इसमें ये मैंगो डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें मैंगो डाल दिया है और एक बार इसे अच्छे से फिर से चला लेंगे अच्छे से, तब ताकि हमारा जो मैंगो है मैंगो जूस है ये अच्छे से मिक्स हो जाए दही के साथ में। तो आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए आप देख सकते हो केसर से कितना अच्छा सा कलर आ गया है ऊपर लस्सी के। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट। यहाँ पर मैंने पिस्ता और बादाम डाल दिया है काट करके। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ज्यादा टेस्टी लस्सी बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे गिलास में डाल लेंगे। तो गिलास में डालने से पहले यहाँ पर मैंने के अंदर आइस क्यूब डाल दिया है। आप चाहो तो इसे 20 से 25 मिनट तक फ्रिज में रख सकते हो, पर आपको बनाते ही खाना है। तो इस तरीके से गिलास में हम बर्फ डाल के फिर इसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लस्सी में दोनों गिलास में डाल दिए हैं लस्सी को, और ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ ड्राई फ्रूट और डाल देंगे हम, पिस्ता बादाम। तो ये हमारे बहुत ज्यादा टेस्टी ठंडी ठंडी मैंगो लस्सी बन के बिल्कुल तैयार है। खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है। आप इसे इस तरीके से एक बार जरूर बनाना। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।